इराकच्या मोसुलमध्ये आयसिसनं हत्या केलेल्या 38 भारतीयांचे मृतदेह आज भारतात आणण्यात आले. अमृतसर विमानतळावर दुपारी 2:30 सुमारास मृतदेह घेऊन वायुदलाचं विशेष विमान उतरलं. परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही के सिंग स्वतः या विमानात होते तर पंजाबचे मंत्री नवज्योत सिंग सिद्धू अमृतसर विमानतळावर उपस्थित होते. या 38 भारतीयांपैकी 27 जण एकट्या पंजाबमधले आहेत तर 4 जण हिमाचल प्रदेशातले आहेत. या नागरिकांचे नातलग मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी विमानतळावर हजर होते. त्यानंतर विमान पाटणा आणि कोलकात्याकडे रवाना झालं. दरम्यान मृतांच्या नातलगांपैकी एकाला सरकारी नोकरी देण्याचं आश्वासन यापूर्वीच देण्यात आल्याची माहिती सिंग यांनी दिली तर पंजाब सरकारनं देऊ केलेल्या भरीव मदतीची यादी सिद्धू यांनी वाचून दाखवली. ये मौका दुख का है कि हम अपने जो परिजन हैं उनके पार्थिव शरीर उनके अवशेष लेकर आए. काफी हम लोगों ने कोशिश की कि इनका पता चले और जैसे ही पता चला इराक सरकार की मदद से जो हमें बहुत मदद मिली उसके बारे में उनकी मदद से हमने इनको निकलवाया. उसके बाद जो डीएनए गए थे वो मैचिंग हुई. मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई और ये मेरी चौथी ट्रिप थी इराक के लिए जिसमें मैं उनको लेकर आया. जो कुछ भी सेंटर की सरकार कर रही है परस्पर हमारे साथ मिलके ही कर रही है और हम इकट्ठे हैं इसमें. इसमें पार्टियों से ऊपर उठ के हमें काम करना पड़ेगा. कैप्टन साहब की तरफ से मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँ. हम इन सब परिवारों को 5 लाख रुपया पर फैमिली दे रहे हैं और वी विल इंश्योर, जो कि उन्होंने पटल पे कहा था विधानसभा के, कि वी विल इंश्योर देयर कंप्लीट रिहैबिलिटेशन और हर परिवार को एक एक नौकरी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पंजाब सरकार देगी. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.